नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24 में जाकिर खान जयपुर से। जैसे कि आज हमने राजस्थान के अंदर इंद्र रसोई अन्नपूर्ण योजना जो चल रही है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी थी और आज बीजेपी सरकार आने के बाद में भी राजस्थान के अंदर उसी तरह से चल रहा है। मगर पहले भरपेट खाना था, आज हमें इस चीज़ के बारे में गरीब आदमियों ने बताया कि सर पहले हमें भरपेट खाना मिलता था, दो प्लेट मिल जाती थी तो भरपेट हमारा अच्छा गुजारा हो जाता था उस 60 रुपये के अंदर। और अगर हम इतने बड़े पैसे वाले होते तो हम किसी ठेके पे जाकर खाना खाते। मगर राजस्थान सरकार से मैं ये निवेदन करूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार इंदिरा रसोई चला रही थी उसी तरह से चलाएं, जिससे कि गरीब आदमियों को भरपेट खाना मिल सके और मजदूर अपना गुजारा कर सके। क्योंकि आज जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर यानी इंडिया के अंदर महंगाई है, उस तरह को देखते हुए गरीब आदमी अपने गुजारे के लिए इंदिरा रसोई पर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां पर कम पैसों में भरपेट खाना मिल जाता था। मगर इसके अंदर भी राज्य सरकार ने अभी कुछ कटौती कर दी है, जहां दो प्लेट थी वहां पर एक प्लेट कर दिया। मगर इस चीज़ पर मैं राज्य सरकार को कहना चाहूँगा कि जो गरीब आदमी खाना खाता है, जो इंदिरा रसोई के अंदर खाना खाता है, ये समझो वो एक तरह से बिल्कुल गरीब आदमी होता है, जो 8-10 रुपया कहीं से भी अपने मांग मूंग कर यानी खाना खाने के लिए जाता है, मगर उसका पेट नहीं भर पाता है एक प्लेट के अंदर। तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूँगा, श्रीमान भजनलाल जी से भी कहना चाहूँगा कि इसको जहाँ दो प्लेट थी वहाँ दो प्लेट की जाए। अब देखिए, खाने खाने वाले बंदों से हमने पूछा कि सर आप खाना खाते हो तो पहले आप लोगों का पेट भर जाता था, अभी एक प्लेट के अंदर आप लोगों का पेट भरता है नहीं भरता है। अब देखिए, खाने खाने वाले भैया हैं, इन्होंने बताया कि सर पहले जब दो प्लेट मिलती तो हमारा गुजारा अच्छी तरीके से हो जाता था और भरपूर खाना मिल जाता था, मगर एक प्लेट होने से हमारे लिए खाने में और हमारा पेट नहीं भर पाता है। अब देखिए भैया क्या बोल रहे हैं। भाई साहब, पहले दो प्लेट मिलती थी और अब पेट नहीं भरता है, और अब क्या नाम है, पहले अब पेट भी भूखा रहता है। और जैसे पैसे वाले होते तो किसी होटल पर जाके खाते थे, बड़े होटल पे। तो मजदूर लोगों का कहना है कि जैसे पहले दो प्लेट राज्य सरकार दे रही थी, अगर उसी तरह से देगी तो हम मजदूर लोगों का अच्छा गुजारा हो जाएगा इस महंगाई के ज़माने के अंदर। आज अगर किसी दुकान पे आलू भी लेना जाता है आदमी तो 40 रुपये किलो का भाव है, अगर भिंडी खरीदने जाता है तो 60 रुपये किलो का भाव है, टमाटर खरीदने जाता है तो 60 रुपये किलो का भाव है। मगर इस गरीबी के अंदर मजदूर आदमी का गुजारा कैसे होगा? मजदूरी 100 रुपये की है और खाना 150 रुपये का है तो कहाँ से खाएगा? अगर इतने पैसे वाले लोग मजदूर लोग होते तो किसी होटल में बैठ के वीआईपी में खाना खाते, मगर ये मजदूर आदमी बेचारे। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि जिस तरह पहले दो प्लेट दे रहे थे उसी तरह से मजदूरों के लिए दो प्लेट इंद्र रसोई के अंदर दी जाए, जिससे गरीब आदमी भरपूर पेट भर कर यानी खाना खा सके। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरा